At GLA University, we make the way. We inspire. नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में तनाव चरम पर पहुंच गया है और इसके पीछे एक बड़ी वजह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान के लगातार आक्रामक तेवर के बीच अब कतर में संगठन के एक शीर्ष नेता ने निशाना साधा है। तालिबान के एक अधिकारी अहमद यासीर ने ट्वीट कर पाकिस्तान को 1971 युद्ध की याद दिला दी है। यासीर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो इससे 1971 की लड़ाई दोहराई जाएगी। दरअसल यासीर ने पाकिस्तान के गिदड़ भभकी पर उसे आईना दिखाते हुए 16 दिसंबर 1971 की एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान सेना को एक और युद्ध हारने से बचने के लिए अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तानी सेना को ही 1971 के युद्ध में भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा था। और बता दें आपको कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी आतंकवादियों को शरण दे रहा है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी पर सफाया करने का भी चेतावनी दी थी। और यासिर ने 16 दिसंबर 1971 की एक तस्वीर को ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री जी, ये अफगानिस्तान है, गौरववंतित सम्राटों की भूमि है, हम पर सैन्य हमले की सोचना भी मत, वरना भारत के सामने जिस तरह हथियार डाले थे उस शर्मसार वाक्य को दोबारा से दोहराया जाएगा। दरअसल 16 दिसंबर 1971 की इस तस्वीर में ईस्ट पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाजी ने सरेंडर दस्तावेजों पर साइन किए थे। दरअसल तालिबान की यह प्रक्रिया है पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला की उस चेतावनी के बाद आया है जब उन्होंने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी थी। कुछ दिन पहले राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को तालिबान जैसे समूह से खतरा होता है तो उसके पास अफगानिस्तान में विद्रोहियों के ठिकाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि अगर काबुल में टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमला कर सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक थे और अखिलेश ने सपा और कांग्रेस की विचारधारा में अंतर जो बताते हुए राहुल गांधी की पार्टी पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा एक है। अखिलेश यादव के सुर अब बदलते बदलते नजर आ रहे हैं और एक दिन पहले तक राहुल गांधी पर हमलावर रहे अखिलेश यादव के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने अपने पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है, इसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग, सौहार्द भी सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी की ये यात्रा देश की इसी समाजवेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 29 दिसंबर को पत्रकारों से बात कर रहे थे और तब उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर ही सवाल किए गए थे और राहुल गांधी की यात्रा में ही शामिल होने का निमंत्रण मिलने को लेकर सवाल पर अखिलेश यादव ने इससे इनकार कर दिया था। और कल से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी और भारत जोड़ो यात्रा 3 से 5 जनवरी तक यानी कि 3 दिन भारत में ही रहेगी और गाजियाबाद, बागपत और शामली भारत जोड़ो यात्रा में यूपी के 3 जिले कवर हो रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने के
लिए कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश यादव समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को भी निमंत्रण दिया था और कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को भी न्योता भेजा था। जयंत चौधरी ने राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए पहले ही यह साफ कर दिया था कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार कहा जा रहा है भौगोलिक विकास को बात हो रही है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और साफ तौर पर दोनों की बात सामने आई है, भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है भारत, ये भी कहा गया है। बता दें आपको कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 29 दिसंबर को पत्रकारों से बात कर रहे थे और तब उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया था और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिलने को लेकर भी सवाल अखिलेश यादव ने इससे इनकार भी कर दिया था। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने इनकार किया था और कल से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो यात्रा है उसको लेकर कुछ दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रही है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी और भारत जोड़ो यात्रा में 3 से 5 जनवरी तक यानी कि 3 दिन तक भारत में ही रहेगी और गाजियाबाद, बागपत और शामली भारत जोड़ो यात्रा में यूपी के ही 3 जिले कवर हो रहे हैं। और राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश यादव समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को भी निमंत्रण दिया था और कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को भी न्योता भेजा था। जयंत चौधरी ने राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर राहुल गांधी के बारे में झूठे बयान देने का आरोप लगाया है। रमेश ने प्रहलाद जोशी को अपने उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी भारत जोड़ो यात्रा से विराम लेकर छुट्टी पर जा रहे हैं। रमेश ने ट्विटर पर कहा था कि प्रहलाद जोशी, आपने इससे बचने की उम्मीद में बड़े बड़े और फर्जी बयान दिए हैं और आपका झूठ पकड़ा गया है। आपने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को जो कहा था उसके लिए माफी तो मांग ले। प्रहलाद जोशी ने पहले आरोप लगाया था कि राहुल गांधी छुट्टी पर जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर लंबा विराम लिया गया है और हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में ही मामले पर ही रमेश द्वारा सरकार पर हमला करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहते हुए पलटवार भी किया था कि आपके नेता यानी कि भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और आपको अब संसद की याद आई है। प्रहलाद जोशी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने उनसे माफी की मांग की है। बता दें आपको कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 मंगलवार से फिर से शुरू हो रही है और 9 दिनों के ब्रेक के बाद अब दूसरे फेज में यह यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक जाएगी और उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा 2 दिनों तक चलेगी और इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। हालांकि आपको बता दें यूपी विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल होगा या नहीं इसको लेकर विपक्षी दलों ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है और कांग्रेस का दावा है कि जम्मू कश्मीर पहुंचने पर यात्रा में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा आपको बता दें कल से फिर से शुरू होगी। बता दें आपको कि कुछ समय से भारत जोड़ो यात्रा ने ब्रेक लिया हुआ था, दिल्ली में प्रवेश के बाद ही भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक था लेकिन अब कल से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर फर्जी बयान भी दिया है ऐसा कहना है जयराम रमेश का, अब माफी तो मांग ले, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार बवाल होता दिख रहा है और रमेश ने प्रहलाद जोशी को अपने उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी भारत जोड़ो यात्रा से विराम लेकर छुट्टी पर जा रहे हैं और रमेश ने ट्विटर पर कहा था कि प्रहलाद जोशी, आपने इससे बचने की उम्मीद में बड़े बड़े और फर्जी बयान दिए हैं और आपका झूठ पकड़ा गया है। आपने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर जो
कहा था उसके लिए माफी तो मांग लीजिए। और प्रहलाद जोशी ने पहले आरोप भी लगाया था कि राहुल गांधी छुट्टी पर जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर लंबा विराम लिया गया है। हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में इस मामले पर रमेश द्वारा सरकार पर हमला करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहते हुए पलटवार किया था कि आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यात्रा को छोड़कर विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और आपको अब संसद की याद आई है। प्रहलाद जोशी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने कहा उनसे माफी भी मांगने की मांग की है। तो आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेज टू मंगलवार से फिर से शुरू हो रही है। 9 दिनों के ब्रेक के बाद अब दूसरे फेज में यह यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक जाएगी और उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा 2 दिन तक चलेगी और इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में लड़की की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है और परिजन से लेकर चश्मदीदों तक ने सवाल किए हैं और समय से एक्शन नहीं लेने का दावा किया है और यहां तक कहा जा रहा है कि पुलिस अगर समय से एक्शन लेती तो शायद लड़की अंजलि की जान बच सकती थी। लड़की की माँ ने रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है और जबकि चश्मदीद ने पुलिस पर मौके पर नहीं आने का आरोप लगाया है। इस बीच घटना को लेकर कई बड़ी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें आपको कि दिल्ली के कंछावला में रविवार तड़के 1 जनवरी को एक 23 साल की लड़की का नग्न अवस्था में शव मिला था। बॉडी के कई हिस्से छत विछत हो गए थे और उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। पुलिस का दावा है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी और फिर सड़क पर 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा जिससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर ही पुलिस को एक स्कूटी भी पड़ी मिली जो दुर्घटनाग्रस्त थी। स्कूटी के नंबर के आधार पर ही युवती के बारे में पता चला और ये लड़की इवेंट कंपनी में जॉब करती थी और इस घर पे इकलौती कमाने वाली लड़की थी। उसके परिवार में 2 अन्य बहनें और 2 भाई हैं। माँ भी किडनी की पेशेंट है और बड़ी बहन की शादी हो गई है जबकि पिता की 8 साल पहले मौत हो गई है। और इस घटना को बाद में दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक हादसा बताया और पुलिस ने रेप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। दिल्ली आउटर के डीसीपी हरेंद्र के सिंह ने बताया है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पुलिस ने दर्ज कार नंबर के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया और जांच के दौरान आरोपियों ने कहा कि उनकी कार पीड़िता की स्कूटी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके बाद वे आगे भागने लगे लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कार में स्कूटी समेत लड़की फंस गई है और सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीट कर ले आए। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कहा कि कार में तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था जिसकी वजह से उन्हें लड़की के फंसे होने का पता नहीं चल पाया। क्या बोले चश्मदीद। और इस पर भी हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद ही कई सवाल पुलिस पर खड़े हो गए हैं जिनके परिजन समेत एक्टिविस्ट जवाब मांग रहे हैं। आरोप है कि ना युवकों की कार रात में कई किलोमीटर तक घूमती रही और सीसीटीवी में डिपर देकर टर्निंग पॉइंट पर मुड़ते देखी जा रही है। चश्मदीद दीपक ने कहा है कि वो 2 घंटे तक पुलिस से बात करता रहा लेकिन टीम मौके पर नहीं आई और कातिल कार सामान्य गति में थी और देखने से लग रहा था कि उसे चलाने वाला नॉर्मल है। वह सुबह करीब 3:15 पर दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसने एक कार को आते देखा। उस कार में पीछे के पहिए से तेज आवाज आ रही थी और बेगमपुर पर पीसीआर वाले नशे में थे। उसका कहना था कि 45 मिनट में उसने 22 बार पुलिस को फोन कॉल किया था। और दूसरे चश्मदीद विकास ने कहा है कि 2 बाइक सवार पुलिस वालों ने अनदेखी की और वो खुद पुलिस चौकी तक सूचना देने गया था। तो आपको बता दें कंछावाला से केस का जो दर्दनाक हादसा सामने आया था, परिवार के कई आरोप लग रहे हैं, चश्मदीदों के कई आरोप लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि
ये भी उनका आरोपियों का साफ तौर पर कहना है कि वो म्यूजिक की वजह से उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी और उनको नहीं पता था कि उनकी गाड़ी में स्कूटी फंसी है और इसके साथ ही वो लड़की भी उनकी गाड़ी में फंस गई है। उन्हें इस बात से अनजान थे, ऐसा आरोपियों का कहना है। बता दें आपको कि जांच के दौरान आरोपियों ने कहा है कि उनकी कार पीड़िता की स्कूटी के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके बाद वे आगे भागने लगे, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि उनकी कार में स्कूटी समेत लड़की फंस गई है और सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीट कर ले गए। पूछताछ में आरोपियों ने कहा है कि कार में तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था, ऐसा भी आरोपियों का कहना है, जिसकी वजह से उन्हें लड़की के फंसे होने का पता नहीं चल पाया। और इसको लेकर चश्मदीदों ने क्या किया, क्या कहा है, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इस घटना के बाद कई सवाल पुलिस पर खड़े हो गए हैं, जिनके परिजन समेत इसको लेकर जवाब भी मांगा जा रहा है। आरोप है कि इन युवकों की कार रात में ही कई किलोमीटर तक घूमती रही और सीसीटीवी में डिपर देकर ही टर्निंग पॉइंट पर मुड़ते देखी जा रही है। चश्मदीद दीपक ने यह भी जानकारी दी है कि 2 घंटे तक पुलिस से बात करता रहा, लेकिन टीम मौके पर नहीं आई और कातिल कार सामान्य गति में थी और देखने में लग रहा था कि उसे चलाने वाला इंसान नॉर्मल है। वह सुबह करीब बताया जा रहा है कि 3:15 पर दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था और तभी उसने एक कार को आते देखा। उस कार में पीछे के पहिए से तेज आवाज आ रही थी और इसको लेकर जब बेगमपुर पर ही पीसीआर वाले नशे में थे, उसका कहना था कि 45 मिनट में उसने 22 बार पुलिस को फोन कॉल किया था। और दूसरे चश्मदीद विकास ने कहा है कि 2 बाइक सवार पुलिस वालों ने अनदेखी की है और वो खुद पुलिस चौकी तक सूचना देने गया था। देश के एक भी जिले में कोरोना का येलो अलर्ट नहीं है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सप्ताह समीक्षा रिपोर्ट में पता चला है कि सभी जिलों में कोरोना का संक्रमण 5% से नीचे है। वर्तमान में संक्रमण की राष्ट्रीय दर 0.19% है और जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.14% है। समीक्षा बैठक में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारियों ने बताया है कि 20 से 23 दिसंबर के बीच चीन कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते देश में एहतियात बरतनी शुरू हुई है और 24 से 30 दिसंबर के बीच देश की जिला और राज्यवार रिपोर्ट से पता चला है कि देश के 500 से भी ज़्यादा जिलों में इस अवधि के दौरान एक भी सैंपल कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। बैठक में अधिकारियों ने इस स्थिति को भारत के लिए काफी बेहतर बताया है और साथ ही सलाह दी है कि कोविड सतर्कता नियमों का पालन करने से संक्रमण को यहीं रोका रखा जा सकता है। और एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि देश के ही 693 जिलों की रिपोर्ट हमारे पास है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इनमें से अधिकांश जिलों में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 0 है और जबकि कुछ जिलों में ये 1% तक है। और साल के पहले दिन रविवार को देश में कोरोना के नए मामलों से ज़्यादा संख्या संक्रमण से ठीक होने वालों की दर्ज की गई है। और सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 1 जनवरी को देश में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 207 मरीज स्वस्थ हुए हैं और देश में अभी तक संक्रमित हुए अगर लोगों की संख्या की बात करें कि संक्रमित अभी तक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,78,822 हो गई है। आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,670 हो गई है। तो कोरोना को लेकर सभी अलर्ट नज़र आ रहे हैं। बता दो आपको कि 500 से ज़्यादा जिलों में हफ्ते में ही केस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन लगातार कोरोना को लेकर लोग सतर्क नज़र आ रहे हैं। तो 500 से ज़्यादा जिलों में बीते हफ्ते कोई केस नहीं मिला है, ये जानकारी सामने आई है। कोरोना को लेकर अपडेट बता रहे हैं, देश के एक भी ज़िले में कोरोना का येलो अलर्ट नहीं है, ये भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।